हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम विजिट कर रहे हैं यहाँ पे विरासत ए खालसा। तो विरासत ए खालसा जो इसका पुराना नाम था, जो पहले का नाम था, वो था खालसा हेरिटेज मेमोरियल कॉम्प्लेक्स। तो विरासत ए खालसा म्यूजियम में हम अभी यहाँ पे एंटर किया हमने। तो यहाँ पे जो पार्किंग है बाइक की वो 10 रुपये है। यहाँ पे हमने जो स्टैंड है यहाँ पे बाइक पार्क कर दी है। अभी सामने से हम एंट्री पास लेंगे, तो चलिए चलते हैं सामने से एंट्री पास यहाँ पे लेने। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। यहाँ पे वो नंबर चेक करते हैं आधार कार्ड, तो उसी के बाद आपको एंट्री यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, तो चलिए अभी हम चलते हैं पास लेने के लिए। तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाते। यहाँ से आपको जो पास है वो दिए जाएंगे। ठीक है, जितने पर्सन होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो उसके बाद फिर हम एंटर करेंगे। इसके बिल्कुल सामने ही कैंटीन बनी हुई है। तो चलिए अभी हम एंटर करते हैं यहाँ पे विरासत खालसा म्यूजियम में। तो ये आपको आनंदपुर साहिब, जो कि रूपनगर का एक जिला, जो रूपनगर जिला है उसमें एक तहसील देखने को मिलेगी, आनंदपुर साहिब तहसील। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विरासत खालसा। तो विरासत खालसा यहाँ पे जो आनंदपुर साहिब है, इसमें मेन आपको जो गुरुद्वारा केशगढ़ साहिब देखने को मिलेगा, उसके बिल्कुल 1.5 किलोमीटर आगे, 1.5 किलोमीटर आगे आपको विरासत खालसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, मेनली जो पंजाब का 500 साल का जो इतिहास है उसकी एक आपको झलक देखने को मिलेगी। और साथ में जो गुरुओं के द्वारा जो मैसेज दिया गया है, जैसे कि मैसेज यहाँ पे शांति का, भाईचारे का, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विरासत खालसा म्यूजियम में बहुत ही शानदार तरीके के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे, एक वेस्टर्न कॉम्प्लेक्स और एक ईस्टर्न कॉम्प्लेक्स। जो वेस्टर्न कॉम्प्लेक्स है उसमें एंट्रेंस प्याजा ऑडिटोरियम हो जाएगा, जिसमें 400 सीट्स की कैपेसिटी है, और 2 स्टोरी रिसर्च एंड रिफॉर्म लाइब्रेरी देखने को मिलेगी, और एक गैलरी देखने को मिलेगी। तो अगर आप पूरे दिन का पास बनवाना चाहते हो, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना चाहते हो, तो आपको 100 रुपये का पास देंगे और आप पूरा दिन यहाँ पे बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है। तो चलिए अभी हम मेन जो ईस्टर्न कॉम्प्लेक्स है उसकी तरफ चलते हैं यहाँ पे। तो वहां पे जो मेमोरियल बिल्डिंग और एग्जीबिशन जो स्पेस आपको यहाँ पे वो सामने देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वहां पे अभी हम चलेंगे। तो ये देख सकते हैं, वैसे अंदर यहाँ पे मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है फोटो खींचना। ये मैंने इंटरनेट से पिक्चर्स हैं जो वो ली हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पंजाब का यहाँ पे आपको पूरा 500 साल का जो इतिहास रहा है वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे स्टैचूज भी देखने को मिलेंगे, बिल्कुल रियल यहाँ पे आपको एक ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो गुरुओं के द्वारा जो मैसेज दिया गया है, पंजाब का जो पुराना इतिहास रहा है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो 13 साल यहाँ पे निर्माण, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चला। 25 नवंबर 2011 को उद्घाटन हुआ इसका, और उसके 2 दिन के बाद ही यहाँ पे लोगों के लिए खोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर से लाइट्स यहाँ पे चमकती हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पे बना हुआ है, व्यू आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और ये जो आपको देखने को मिलेगा, केबीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया था विरासत खालसा। वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर दे सकते हैं कि कहाँ पे है विरासत खालसा, जैसा कि अभी मैंने वीडियो में भी बताया है। तो इसका बाहर का व्यू आपको देखने को मिलेगा। सो बाहर यहाँ पे हम वीडियो ले सकते हैं, शूट कर सकते हैं, लेकिन हाँ अंदर अलाउड नहीं है। तो पूछा भी था, वो कहते हैं कि 2000 रुपीज लगेंगे यहाँ पे अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।